मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ पोइम. द नेम ऑफ पोइम टू अ बटरफ्लाई विच इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. बच्चे, ये पोइम राइटर ने एक बटरफ्लाई के ऊपर लिखी है. कब लिखी है? जब वो अपने गार्डन में जाता है, वहाँ पे वो एक फ्लावर के ऊपर बटरफ्लाई को बैठे हुए देखता है. वो क्या फील करता है, वो सब कुछ उसने इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है. पिक देख रहे हो, ये राइटर की पिक है जिसने टू अ बटरफ्लाई पोइम लिखी है. इसके बाद इस राइटर के बारे में हम आपकी बुक में से कुछ लाइन्स पढ़ेंगे. विलियम वर्ड्सवर्थ इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन इंग्लिश पोएट्स. बच्चे, विलियम वर्ड्सवर्थ का बर्थ दिया है और डेथ टाइम भी दिया है. उनका बर्थ हुआ था 1770 में और उनकी डेथ हुई थी 1850 में हुई थी. उन्हें इंग्लिश जो पोएट्स हैं उनमें से सबसे बेस्ट माना जाता है. बहुत ही फेमस पोएट हुए हैं वो. ही इज सेड टू हैव स्टार्टेड द रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर. ये भी कहा जाता है कि उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक पोइम्स काफ़ी लिखी है. He is known as a romantic poet in English literature. बच्चे, लिटरेचर वो होता है लाइक पोइम्स, प्रॉज. जो हिस्टोरिकल बुक्स होती है वो सारी लिटरेचर में ही आती है. ड्रामास, ऑटोबायोग्राफी, फेरी टेल्स, जो आप परियों की कहानी पढ़ते हो वो सब कुछ बच्चे लिटरेचर में ही इंक्लूड होता है. दिस वॉज ए मोमेंट इन द लेट 18th एंड द अर्ली 19th सेंचुरी वेन इम्पोर्टेंस वॉज गिवन टू द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन इमोशंस. बच्चे, ये उस टाइम के बारे में बताया गया है जब नेचर की ब्यूटी और ह्यूमन्स की जो फीलिंग्स होती थी उन्हें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी. तब जो लाइफ थी ज़्यादा मटीरियलिस्टिक नहीं थी. वर्ड्सवर्थ ग्रू अप इन द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड. जो वर्ड्सवर्थ है बच्चे, वो इंग्लैंड की एक लेक है, उसका नेम है डिस्ट्रिक्ट. वहीं पे मींस की पले बड़े. इसी कारण एंड वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचर सिंस हिज चाइल्डहुड. यही रीज़न था कि बचपन से उनके ऊपर नेचर का काफ़ी प्रभाव रहा. एंड कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, वार्म अप. हाउ डू यू फील व्हेन यू सी अ फ्लॉक ऑफ ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज हॉवरिंग अप ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स ऑन अ प्लीजेंट सनी मॉर्निंग. बच्चे, आप कैसा फील करोगे जब सनी मॉर्निंग में आपके ऊपर से ब्यूटीफुल कलरफुल बटरफ्लाइज मंडराएंगी. शेयर योर थॉट्स. जी, यहाँ पे आपने इस फॉर्म में अपने थॉट्स शेयर करने हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना है. नाउ नेक्स्ट वन, बटरफ्लाइज वॉर्म देमसेल्फ इन द सन ऑन कोल्ड मॉर्निंग्स. जहाँ पे बताया गया कि जो कोल्ड मॉर्निंग्स होती है वहाँ पे जब बटरफ्लाइज है सन की लाइट में ही अपने आप को वॉर्म करती हैं. दे नीड टू डू दिस टू रेज देयर बॉडी टेम्परेचर सो डैट दे कैन फ्लाई ईजली. उन्हें अपने बॉडी का टेम्परेचर रेज मीन्स की हाई करना पड़ता है. अगर उनकी बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा तभी बच्चे वो फ्लाई कर सकती है ईजली. अगर उनकी बॉडी का टेम्परेचर लो होगा तो वो फ्लाई नहीं कर सकती. लेट अस रीड दिस पोइम अबाउट अ बटरफ्लाई बेस्किंग इन द सन. हम इस पोइम में बटरफ्लाई के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पे वो एक बटरफ्लाई सन में. बेस्किंग का मीनिंग होता है एंजॉय करना, ठीक है, या धूप सेकना. ठीक है, सन में बैठ के वो धूप सेक रही है. I have watched you now a full half hour, self-poised upon that yellow flower, and little butterfly indeed. I know not if you sleep or feed. I refer कर रहा है poet को and you refer कर रहा है butterfly को. जो poet है वो butterfly को continuously half hour से देख रहा है कि वो yellow flower के ऊपर बैठी हुई है. self-poised उसने अपना एक balance बना के रखा है, वहाँ से वो बिल्कुल भी नहीं हिल रही. इंडीड का मीनिंग लिख सकते हो टू बी श्योर, कि उसे पता नहीं चल रहा जो बटरफ्लाई छोटी सी है जो फ्लावर के ऊपर बैठी हुई है वो वहाँ से खाना खा रही है या उसके ऊपर सो रही है. हाउ मोशनलेस नॉट फ्रोजन सीज मोर मोशनलेस एंड देन वट जॉय अवेयर्स यू वैन द ब्रीज हैज फाउंड यू आउट अमंग द ट्रीज एंड कॉल्स यू फोर्थ अगेन. Motionless means stable, steady,
अवेयर्स का मीनिंग वेट, जॉय मीन्स इंजॉय, ब्रीज मीन्स कूल ब्रीज। पॉइंट को बटरफ्लाई अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, वो देख रहा है कि वो कितनी मोशनलेस है, जैसे विंटर में समुंदर का पानी फ्रीज हो जाता है और उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती, वैसे ही बटरफ्लाई है, उसको फ्रोजन सी के साथ उसकी मूवमेंट को कंपेयर किया है। वहाँ पे वो क्वेश्चनिंग कर रहा है पॉइंट बटरफ्लाई से, आप जहाँ पे किसकी वेट कर रहे हो, जहाँ जहाँ इंजॉय कर रहे हो आप, जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है। पॉइंट बटरफ्लाई को ट्रीज के बीच में से ढूंढता है और फिर से उसे वापस उसी जगह पे बुला रहा है। दिस प्लॉट ऑफ ऑर्चर्ड ग्राउंड इज आर्स, माई ट्रीज दे आर माई सिस्टर्स फ्लावर्स, हेयर रेस्ट योर विंग्स व्हेन दे आर वेरी, हेयर लोज एज इन अ सेंचुरी। प्लॉट मीन्स प्लांट, ऑर्चर्ड मीन्स गार्डन, वेरी मीन्स टायर्ड थका हुआ, सेंचुरी मीन्स पार्क, लॉज मीन्स स्टे कीप। पॉइंट जहाँ पे बोल रहा है कि जो जो ऑर्चर्ड है, गार्डन्स है, वो हमने लगाया हुआ है और इस गार्डन में जो ट्रीज हैं वो मेरे हैं और फ्लावर्स जो है मेरी सिस्टर के हैं। और जब भी बटरफ्लाई को बोल रहा है कि जब भी आप टायर्ड फील करो तो आप जहाँ पे आकर अपने विंग्स फैला के रेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये पार्क जो है आपके लिए ही है, आपको पूरी फ्रीडम है कि आप जहाँ आकर बैठ सकते हो। कम टू अस ऑफन, फेयर नो रॉन्ग, सिट नियर अस ऑन दी वॉक, वी विल टॉक ऑफ सनशाइन एंड ऑफ सॉन्ग एंड समर डेज व्हेन वी आर यंग, स्वीट चाइल्डिश डेज दैट वर एज लॉन्ग एज 20 डेज एज आर नाउ। पॉइंट चाहता है कि बटरफ्लाई उसके पास आकर बैठे, उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कभी भी किसी भी ब्रांच ट्रीज की, फ्लावर्स की, वहाँ आकर बैठ सकती है और हमारे साथ बातें कर सकती है। सॉन्ग का मीनिंग है जो बर्ड्स के चहचहाने की आवाज़ होती है, और सन जो सनशाइन करता है उसके बारे में पॉइंट जो है बटरफ्लाई के साथ बातें करना चाहता है। और समर डेज जो कि अब स्पेंड हो चुके हैं उसके यंग एज के, उसके बारे में बातें करना चाहता है। जब उसने बटरफ्लाई को देखा है तो उसकी बचपन की सारी यादें ताज़ा हो गई है। इस पोइम का मेन ऑब्जेक्टिव है कि पोइट ये चाहता है कि वो अपने और अपने सिस के साथ उसने जो चाइल्डहुड डेज स्पेंड की है वो बटरफ्लाई के साथ शेयर करना चाहता है, क्योंकि बटरफ्लाई को देख के उसकी जो चाइल्डहुड मेमोरीज हैं वो रिकॉल हो गई है, फ्रेश हो गई हैं। वो अपनी इंटरनल जो वर्ल्ड है, इंटरनल मेमोरीज हैं, इमोशंस हैं, वो सबको आउटर जो वर्ल्ड है उसके साथ कनेक्ट करता है। क्योंकि जब वो बटरफ्लाई को देखता है तो उसे ऐसी फीलिंग्स आती है कि वो बटरफ्लाई की तरह ही अपने बचपन में काम था और नेचर की ब्यूटी को इंजॉय करता था और नेचर लविंग था, इसीलिए वो बटरफ्लाई को इस पॉइंट में वापस बुला रहा है, क्योंकि उसके साथ वो और टाइम स्पेंड करना चाहता है। अभी उसी की सेटिस्फेक्शन नहीं हुई क्योंकि बटरफ्लाई टाइम से पहले ही वहाँ से चली जाती है।